अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन किचन विद अरीना। आज हमारे किचन में बन रहे हैं पकोड़ा सैंडविच, आप इन्हें पकोड़ा ब्रेड भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है, आप ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए आज की हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें पकौड़ा सैंडविच बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो हैं 3 अदद आलू, मैंने इनको लेके इन्हें उबाल लिया था और अब इन्हें मैश कर लिया है। साथ में मुझे ब्रेड चाहिए, 1 अदद मैंने छोटी प्याज ली है, उसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। मैंने 3 पीस सब्ज मिर्चे, उन्हें मैंने काट लिया है। 1 कप पानी लिया है, 1/4 कप मैंने बेसन लिया है, धनिया लिया है मैंने हसबे ज़रूरत, 1 अदद मैंने नींबू लिया था उसका रस निकाल लिया है, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने ब्लैक मिर्च का पाउडर लिया है और साथ में मैंने लिया है नमक हसबे ज़रूरत और साथ में मैंने लिया है 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो आलू मैंने उबाले हुए थे, इन्हें मैश किया हुआ था, ये लिए हैं। इसके अंदर अब हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ये कटी हुई एक जो कटी हुई प्याज थी वो ऐड करेंगे, धनिया ऐड करेंगे, ऐड कर दिए, ये स्पाइसेस ऐड करेंगे, सारी स्पाइसेस ऐड हो गए। ये देखिए लेमन जूस ऐड कर दिया है। अब हम इन सब चीजों को हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मसाला हमने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम ब्रेड का एक स्लाइस लेंगे, इसके ऊपर चम्मच की मदद से हम इस तरह से इसे रखेंगे मसाले को जो बना हुआ है और इसे सेट करेंगे ब्रेड के ऊपर अच्छे से। ये आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, अगर आप स्पाइसी चाहते हैं तो आप ज़्यादा मसाला भी लगा सकते हैं, कम भी लगा सकते हैं। ये देखिए सारे ब्रेड के ऊपर मैंने लगा लिया, बिल्कुल वैसे जैसे हम जैम वगैरह लगाते हैं कुछ लगाते हैं इसी तरह से ब्रेड के ऊपर लगा लिया। अब ब्रेड के ऊपर दूसरा स्लाइस रखेंगे और इसे कवर कर देंगे। इसी तरह से हम बाकी सारे पे भी लगा लेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी कटिंग करेंगे। ये देखेंगे जिसके अंदर हमने लगाया हुआ था सारा मटेरियल, अब इसकी कटिंग करेंगे सैंडविच शेप में। ये देखिए इस तरह से कटिंग कर ली है। इसी तरह से हम बाकी ऊपर भी लगाएंगे, मसाला लगाएंगे ब्रेड पे और उनकी भी कटिंग कर लेंगे। ये देखें सब पे सारे ब्रेड तैयार हो गए हैं हमारे, इनमें सब में मैंने लगा दिया था जो मशीन में हमने आलू का बनाया हुआ था वो सारा लग गया सब में। अब हम इनकी कोटिंग के लिए जो सामान था, जो मैदा हमने लिया हुआ था उसे तैयार करेंगे। ये जो हमने बेसन लिया हुआ था उसके अंदर मैंने 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी लाल मिर्च ऐड कर लिया, ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं वरना आप ना भी करें। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, 1/2 कप पानी ऐड किया मैंने और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें ऐसी शेप होनी चाहिए इसकी, ना ही तो ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। ये मैंने 1 कप पानी लिया तो उसमें से 1/4 कप जो पानी है ना वो बच गया है। ये देखें एक पैन लिया था मैंने, उसमें ऑयल डाल लिया था और उसे गर्म होने के लिए रख दिया था, तो अब ये देखें जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके ये जो हमारा ब्रेड है वो डालेंगे। ये जो हमने बेसन का मटेरियल ऐड किया हुआ था इसमें डिप करेंगे इसे अच्छे तरह से ब्रेड को। ये देखिए सारा डिप हो गया है, अब इसे डाल देंगे। इसी तरह से हम बाकी के सारे भी इसमें डिप करेंगे और इसको ऑयल में पैन में डाल देंगे फ्राई होने के लिए। ये देखिए दूसरा ब्रेड भी मैंने डाल दिया है। इसी तरह से हम बाकी के सारे भी डालेंगे, एक एक दो दो करके फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इनकी एक साइड जो है वो फ्राई हो चुकी है, अभी हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए लाइट सा गोल्डन सा कलर आ गया है, इसे भी हम चेंज कर देंगे इसकी साइड को और इन्हें 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे फ्राई होने के लिए। ये देखें ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे।
देखिए डिश आउट कर लिए हैं। इसी तरह से जो बाकी के सारे हैं वो भी हम फ्राई कर लेंगे और फिर उन्हें भी डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए हमारा पकौड़ा सैंडविच बिल्कुल रेडी है। देखिए कितनी प्यारी इनकी शेप है, कितना प्यारा कलर आ गया इनका। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत ही मज़े की भी बनती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।